के आप विधायक भी हैं, खासकर अगर बात करें कि जिस तरह से महामारी फैला हुआ है, गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग रहते हैं, वीडियो भी एक बयान दे चुके हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा, और अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन दिया गया हो। आप किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं अभी इस मामले में? देखिए, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था और 25 या 26 को मैंने अपना वेतन, 5 महीना का वेतन क्षेत्रवासी के लिए डायरेक्ट क्षेत्र में खर्च करने के लिए दे दिया। आप देखे होंगे प्रत्येक पंचायत में 5,000 का साबुन सीमित राशि में जो संभव था, वैसे गरीब जहां अवेयरनेस की जरूरत थी वहां बंटवाने का काम किया, और सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे जनसेवक का चयन किए जो अपने खुद इच्छा जाहिर किए और अपना खाता नंबर दिए, उन्हीं को हम राशि ट्रांसफर किए, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना था, हम जाके ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे। स्थानीय लोग से मदद लेना था, मदद जो किए उनको धन्यवाद देते हैं। आपने उन गरीब जनता को जागरूक करने का काम किया कि आप दिन भर में 3-4 बार साबुन से हाथ धोइए, खाने से पहले हाथ धोइए, खाना बनाने से पहले हाथ धोइए, एक जागरूकता का वातावरण बना जिससे कोरोना संक्रमण को रोक लग सके। दूसरा, एक आपातकालीन फूड पैकेट का निर्माण करवाया है, जो 7 दिन का घोषणा के 2 दिन बीत गई, 5 दिन के बाद वो MRSM कॉलेज पर संग्रहित किया जाएगा और वहां से पंचायत के सबसे गरीब भिखारी, बीमार, लाचार वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके जिसको सही में अन्न की जरूरत है, अंत्योदय का चयन, अंतिम आदमी का चयन वैसे व्यक्ति द्वारा जो समाज के प्रतिष्ठित है, मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, उनके समतुल्य या किसी प्रखंड के अध्यक्ष उस पंचायत में हो, किसी पार्टी के जिला स्तर के नेता उस पंचायत में, वो अगर कहते हैं, अनुशंसा करते हैं कि इस टाइप का, इस श्रेणी के लोग हैं ये, तो प्रत्येक पंचायत 30 से 50 फूड पैकेट आपातकाल में हम देने का काम करेंगे, और उन्हीं को ले जाना पड़ेगा जो हमको नाम सुझाएंगे कि ये हमारे से खोलने से उस गरीब तक पहुंचाने का काम करेंगे। राशन कार्ड के बिना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलना था, ऐसा ऐलान हुआ था, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। राशन कार्ड जिनका नहीं बीमा और अप्लाई किए हों, सारा अप्लाई स्वीकृत हो गई, राज्य सरकार प्रति वैसे लोग को 1,000 रुपया देगा, राशन देने की बात अभी नहीं। नहीं, जैसे ऐलान हुआ था सरकार की तरफ से जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाएगा, करंट आदेश जो अखबार में भी देखे होंगे आप जी, और राज्य सरकार का जो राज्य आदेश है उसमें भी निकला है कि 1,000 रुपया प्रति परिवार को दिया जाएगा। पूरे हायाघाट की बात करें तो सभी CSP सेंटर हो या बैंक हो, बहुत ज्यादा भारी संख्या में महिलाओं का या जो वृद्धजन है उनका भीड़ लग रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं होगा जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा, इसलिए हर हाल में एक दूसरा से दूरी बना के रखें। छुआछूत की बीमारी है और जिस बीमारी के लिए इतना दिन तक संघर्ष किए हैं, कुछ दिन सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और जो भी बैंक जाते हैं एक दूसरे का दूरी कम से कम 3 से 4 फीट रहे, या अन्य मार्केट के काम से जाते हैं वहाँ भी इस तरह का दूरी का मेंटेन रखें, जरूरत हो नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले। लोगों के भलाई के लिए आपने कदम उठाया था, 5,000 रुपये हर एक पंचायत में भिजवाया है, कुछ लोग इससे नाराज भी हैं। अब नाराज अगर किसी को मदद करने से है, अवेयरनेस फैलाने से है, 5,000 में लोगों को, बहुत सारे लोगों को मदद नहीं मिल पाया है, तो ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से 1,70,000 करोड़ केंद्र सरकार और उतना ही लगभग राज्य सरकार की खर्च होने के बाद भी लोग नाराज है, तो मैं तो अपना वेतन का पैसा दिया हूँ, अन्य लोग अगर दिए हो तो बताइए पूरा बिहार में कोई ऐसा विधायक हो जो अपना वेतन का 5 महीना का पैसा डायरेक्ट जनता को दिया हो। नाराजगी के लिए तो कोई अथी नहीं है, जब 1,70,000 के बाद नाराजगी है तो 5,000 तो छोटी राशि है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक और सवाल उठाया है कि जिनके गांव में, जिनके आसपास चापाकल खराब है, तो ऐसे में क्या? देखिए, अभी गर्मी बढ़ेगा, चापाकल का लेयर डाउन होगा, तो खराब चापाकल का ससमय ठीक हो जाना अच्छा रहेगा, इसलिए सूची बना के विभाग को देना है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या कि लोग घूम के सर्वे नहीं कर सकते,
तो यहाँ घर के बगल का तो लोग बता सकते, वही बता रहे हैं, तो सूची विभाग में चली जाएगी, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।